यहाँ पे एक फायर टेम्पल था, और जब जब तक वो कह रहे थे कि आग जलती रहेगी ना, हमें कोई जेर नहीं कर सकता कि BMW यहाँ पे पुलिस वाले यूज कर रहे हैं। I'm from Pakistan. Really? Nice to meet you. Nice to meet you. जब भी आप ओल्ड बाकू में इस तरह आपको ये मिल जाएंगे। Your English is so good. That's why I want this kind of tour guide. भाई आजो, कर लो पाकिस्तानियों शादी यहाँ पे। जैसे लगा जैसे मैं थाईलैंड में हूँ भाई। थाईलैंड में जैसे मसाज नहीं करवाते। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ बाकू में, और ये मेन सिटी सेंटर है बाकू का। सुबह का टाइम हो चुका है जी, तकरीबन दोपहर के 12-1 बजने वाले हैं। रात को काफी लेट आए थे यार, वो नाइट लाइफ और उस तरह का सीन करते रहे। अभी फ्रेश होके सुबह उठ गए। ये साथ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चल के कुछ नाश्ते का कुछ सीन करते हैं, और उसके बाद फिर ओल्ड बाकू की तरफ जाएंगे। ओल्ड बाकू प्रॉपरली आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आज नाइट लाइफ भी होगी, क्लब वगैरह भी जाएंगे, वो सीन भी दिखाऊंगा, और जो स्कैम्स होते हैं ना भाई, वो भी आपको बताने कि यहाँ पे स्कैम्स कैसे होते हैं और उन स्कैम से कैसे बचा जाए। तो मेरे साथ हैं जी भाई साहब विनू भाई, क्या हाल है, खैरियत? भाई नींद पूरी हो गई? हाँ अभी नींद ठीक है। अच्छा अभी थोड़ा फ्रेश होके फ्रेश फील कर रहे हो। मैं भाई को बता रहा था यार, ये जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस है कि एक पाकिस्तानी एयरपोर्ट के बाहर खड़ा है और वो दिल्ली की फ्लाइट का वेट कर रहा है। ये एक्सपीरियंस सिर्फ आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, इंडिया या पाकिस्तान में नहीं हो सकता कभी भी। खैर पाकिस्तान में या इंडिया में तो डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं आती। नहीं डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है यार। फ्लाइट की दूर की बात है, वीजा भी नहीं है। वीजा ही, हाँ वीजा हो तो फ्लाइट हो ना। तो खैर बाकी भाई साहब से मिलकर बड़ा अच्छा लगा हमें, और ये 4-5 रोज हमारे साथ ही टूर करने वाले हैं। तो बाकी ये बाकू का सीन है भाई, सुबह सुबह लोग जा रहे हैं, अभी हम वो जाते हैं उस पे रेस्टोरेंट पे, तो फिर अगला सीन आपको वहाँ पे बताता हूँ। अभी ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे आए, ये देखो भाई इनका ये लोकल ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है, क्या मन चाह रहा है। एंड दिस वन एग ऑमलेट, चिकन, ओके चिकन, पनीर, ओके ओके चीज, चिकन और चीज में भरा हुआ ये। और दिस वन इज, हाँ ये भी चिकन है और उसमें ये टोमेटोज वगैरह। ये देखिए इनकी ये ब्रेड टाइप है भाई, ये समोसे वगैरह, ये स्वीट टाइप होता है, लेकिन ये हम नहीं ट्राई करेंगे। उसके साथ हम जो है ना आज इनका ये जो मकामी रोटी है ये वाला ले लेंगे। हाँ ये ठीक है। ये देखो ये बीबी रोटियां बना रही है, उसके ऊपर ये पेड़ा करके इधर रखती है, फिर यहाँ से ये बनाती है दिस वन। तो गाइज ये लोकल ब्रेकफास्ट आ गया जी, ये कुछ चिकन करके, और ये उसके साथ ये है ब्रेड, इनका मोटी रोटी है ये जो मकामी यहाँ पे खाते हैं। आज हम भी वही ट्राई करेंगे। लेट मी शो यू, ये आ गया। तो आज हम ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं, और फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ कि टेस्ट क्या। तो गाइस ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, बहुत ही कमाल का था, जबरदस्त था, बढ़िया था, नॉन स्पाइसी था, लेकिन नमक वगैरह डाला और फिर वो ब्लैक चिली भी डाल दी तो टेस्ट अच्छा। मटन था उसमें, चिकन था, नाश्ते में इतना ही काफी है। अभी चलते हैं ओल्ड बाकू की तरफ। गाइस तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमने इतना नाश्ता किया और सिर्फ 4 मिनट बिल बना, जबकि यहाँ पे पाकिस्तानी खाना खाया था ना तो 10 मिनट बना था मेरा एक बंदे का, 4 मिनट सिर्फ 2 लोगों का बना ब्रेकफास्ट। यार मतलब बहुत बहुत सस्ता है ये, मैं हैरान हो गया यार। यार मेरा दिल ही टूट गया यार, यार तुम जाओ यार। अरे यार कोई नहीं भाई, यार हमने इतना कमाया यार जिंदगी में यार, फिर भी हमें मिलती वही काली है यार। यार यार जाओ यार, तुम यार। कोई नहीं भाई, मिलेगी गोरी नहीं मिलेगी। यार तो भाई का बहुत दिल टूटा है, अंदर से दर्द हो रहा है इसको देखते है कोई। यार वहाँ पे ना हम लोग वीडियो बना रहे थे, तो ऊपर से ना वो टाइप पैंट पहने हुए ना इस तरह जैसे ये लोग जा रहे हैं, इस तरह एक बंदा आ गया, वो कहता नो कैमरा। तो मुझे लगा भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होगी अभी, तो लेकिन भाई वाह वाह उसने, मैंने कहा कि ठीक है भाई हम यहाँ नहीं आते, हम साइड चेंज कर लेते। तो कहता ठीक है आप चेंज कर लो। मतलब मुझे लगा अगर मैं अफगानिस्तान या अफ्रीका में होना तो पकड़ के ले जाते मुझे, लेकिन यहाँ पे एक ला है भाई। हम वीडियो बना रहे थे, उस सामने कुछ गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, कुछ ऐसा था, लेकिन उसने नहीं परेशानी की, उसने बोला कि आप, हाँ आप यहाँ से जाओ, इसकी वीडियो मत बनाओ। मतलब कमाल है यार, इंप्रेसिव। हालांकि मैं तैयार था कि लो पंगा हो गया भाई। यार आप छोड़े यार, अल्लाह ने कितना हुसन दिया यार, माशाल्लाह। सुबह सुबह का टाइम है, सारे लोग तैयार होकर यहाँ पे जा रहे हैं जी, और हम भी यहाँ से ओल्ड सिटी की तरफ ही निकलेंगे। यहाँ पे जो बड़ी कोल्ड ड्रिंक मैंने ली थी ना, वो 3 मन्नत की थी, वो जो 2 लीटर वाली है, और यहाँ पे मैंने अभी हाफ लीटर वाली उठाई है, तो मुझे दे रहा है अराउंड 2 मन्नत की, जो कि 1 मन्नत की होनी चाहिए, टूरिस्ट होने की वजह से वो कर रहा है। तो अब ये फाइनली हम आ गए जो उस स्ट्रीट में, निजामी स्ट्रीट में, यहाँ से ओल्ड बाकू की तरफ निकलते हैं भाई। अभी मेन जो है बाकू निजामी स्ट्रीट, वहाँ से हम निकल रहे हैं और यहाँ से सीधा ओल्ड बाकू की तरफ जा रहे हैं, और साथ में कैस्पेंसी वाली साइड भी, और फिर वहाँ से होते हुए जो क्लीन वाला म्यूजियम है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट है, ये सारा एरिया आज हम कवर करेंगे।
यहाँ पे साइड पे आपको फॉरनर भी मिल जाएंगे, लोकल भी मिल जाएंगे। चूंकि ये एक मेन सिटी सेंटर भी है, तो जो एक मार्केट से दूसरी मार्केट को टच करने वाली स्ट्रीट है वो यही है। इसी वजह से ये जो निज़ामी स्ट्रीट है ये बहुत फेमस है, और यहाँ पे कैफेज़ वगैरह भी हैं, लोग आके बैठते भी हैं। और मैं आपको बताऊँ, मुझे ये लगता है इस जगह को खासकर देख के कि इन लोगों का ये बहुत, शायद मेजर तो नहीं लेकिन बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है ये टूरिज्म वाला। इन लोगों ने इसीलिए वीज़ा पॉलिसी बहुत आसान की हुई है, वीज़ा ऑन अराइवल भी बहुत कंट्रीज़ को ये दे रहे हैं। वो तो खैर उनके पासपोर्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी है, उसमें कोई खास डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं चाहिए होती। लेकिन हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे, 15 दिन से अगर ओवर स्टे है तो रजिस्ट्रेशन लाजमी है, आपको इमिग्रेशन में जाके करवानी है। अगर आपने नहीं करवाई तो आपकी वाट लग गई भाई। ये है गाइज इनका ओल्ड सिटी। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ा आगे चले जाएं। ये इन्होंने एक वाल के साथ इसको बनाया, और ये किले टाइप इसके दरवाजे हैं जी। तो भाई अभी हम इसके अंदर इंटर हो गए हैं। ये जो है ना, ये जो वाल जो आप साइडों पे देख रहे हैं, ये 2000 में बनाई गई थी, और 2007 में इसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज का हिस्सा बनाया गया। हेलो हेलो, लोग काफी फ्रेंडली हैं यार, खुद ही कैमरे को हैंडशेक कर रहे थे ना। जो ओल्ड सिटी, इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 2000 के करीब है, और यहाँ पे एक टावर भी है जिसको मेलार टावर भी बोलते हैं, और एक म्यूजियम भी है जिसको तकरीबन कुछ रिसर्च कहती है 12वीं सदी में, और कुछ कहती है 7वीं सदी में बनाया गया था। अब देखें, यहाँ पे इन्होंने अपना लोकल म्यूजिक चलाया हुआ है जी, और ये इनके कालीन है बेसिकली, ये सारी जो आप देख सकते हैं ना। और कालीनों में अगर मैं आपको बताऊँ ना, अज़रबैजान ने, इसने कालीनों में ईरान को भी हिट किया हुआ है। हालांकि आप सोच नहीं सकते, मैं समझ रहा था कि ईरान सबसे आगे होगा, जैसे अफगानिस्तान में कालीन काफी मशहूर है, लेकिन जो अज़रबैजान है ना भाई, ये कालीनों में बहुत आगे, आप यकीन करें। यहाँ पे इन्होंने बकायदा कालीनों का एक म्यूजियम बना रखा है, और ये देखें, ये सारे छोटे मोटे कालीन हैं जो ट्रेडिशनल हैंडमेड भी हैं यहाँ पे ना। अक्सर जब टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ से वो बाय वगैरह भी कर लेते हैं, तो अगर आपको यहाँ से बाय करना तो आप इजीली ले सकते हैं। ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ना, ये बेसिकली यहाँ से टूरिस्ट को अंदर ले जाने के लिए, और ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर रहा, यानी जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पे हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मुहैया की जाती है। ये आगे मेन ओल्ड सिटी है जी बाकू का, हम भी उसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी इनकी एक लोकल शॉप है जी, और ये सामने उस तरफ आपको कैफेज नजर आएंगे। यहाँ पे लोग काफी बैठे होते हैं, म्यूजिक वगैरह का भी सीन होता है। मैं रात को आया था यहाँ पे, प्रॉपर वो उस तरफ लड़का खड़ा होकर म्यूजिक वगैरह प्रॉपर कर रहा था, और इतना ज्यादा रश था ना भाई कि लोग इस तरफ खड़े हुए थे अपने बैठने के इंतजार में कि दूसरे टूरिस्ट उठे तो हम बैठ। और ये देखिए, इन्होंने कैमरे लगाए, ये भी 360 कैमरे, ये सारी सेफ्टी के लिए। और ये देखिए भाई, ये केटलीज हैं इनकी ना, केटलीज जिसको बोलते हैं, चाय वगैरह बना के, यहाँ पे चाय जो होती है ना वो बहुत ज्यादा बनाई। ये देखिए, ये आपने वो रील्स वगैरह भी देखी होंगी, तुर्की वाला सीन जो है यार। ये देखो यार, इन्होंने पठानों वाली वो जो पाकिस्तान में कैप नहीं होती, पखौल वही ओढ़ी की है यार इस बंदे ने। ये देखें गाइस, यहाँ पे भी इन्होंने क्लीन वगैरह रखे हैं, टोपियाँ आ गई, सारा सीन वही है। यहाँ पे एक सीन मैं आपको बताऊँ, इनके पिक्चर वगैरह बनाते हैं तो उन्होंने पहले लिख रखा कि भाई यहाँ पे एक मन्नत जो है वो दो तो पिक्चर लो, ये सीन है। बाकी ये काफ़ी पुराना टाउन है, यहाँ पे एक मैदान टावर भी है जिसकी जो तारीख है ना वो अराउंड मिलती है जब ये पर्शियन स्टेट हुआ करती थी, ये पूरा फारस का हिस्सा हुआ करता था, और वो 9वीं से 12वीं सदी के दरमियान है। यानी उसके बारे में शोर नहीं है, रिसर्च ये कहती कि वो 9वीं से 12वीं सदी के दरमियान बनी है। फिलहाल तो उसके अंदर म्यूजियम बना दिया गया है, लेकिन पहले उसके अंदर फायर टेंपल भी हुआ करता था। आपको बताऊं, यहाँ पे आतिश परस्ती हुआ करती थी, फिर हजरत उमर का दौर हुआ। ये वही जगह है जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, जब इन लोगों का कीदा ये था कि यहाँ पे एक फायर टेंपल था, और जब तक वो कहते थे कि आग जलती रहेगी ना हमें कोई जेर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हजरत उमर ने यहाँ पे इस्लाम का झंडा लहराया था यार। अल्लाह बेहतर जानता, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिस्ट्री। और वही एक लोकल शॉप के पास हम खड़े हैं। ये देखो, ये जैसे अलादीन का चिराग नहीं होता, ये उस तरह के चिराग इन्होंने रखे हुए, सेम वही चीज मुझे अलादीन के चिराग जो, ये चम्मच इनके आगे भाई छोटे छोटे, ट्रेडिशनल है ये सारा कुछ, ये बच्चों के खेलने की। ब्रेसलेट काफी प्यारा, हालांकि मुझे इन चीजों का शौक नहीं, लेकिन मुझे प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये भी यहाँ का सारा कुछ लोकल ही है भाई। अभी ये शॉप रही, जब जाने लगेंगे ना लास्ट टाइम कुछ यहाँ से बाय करेंगे जरूर। देखिए, टावर के साथ ही बिल्कुल इन्होंने सामान वगैरह ट्रेडिशनल रखा हुआ, ये कैफे वगैरह बने हुए, टी हाउस, और ये भी वही क्लीन वगैरह, वही सारा सामान आ गया जी लोकल इनका जो होता है। ये फ्लाइंग कार्पेट शॉप है जी, देखें फ्लाइंग कार्पेट, क्या बात। हेलो, हाउ आर यू मैन, गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन अज़रबैजान थ्रू इंटरनेशनल। सॉरी ब्रदर, ये देखें इन्होंने ना जी सिर्फ ये प्रमोशन के लिए ना अपने गोरे हायर किए होते, क्योंकि ये उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं जानते, इसलिए ना। यार देख यार, कितना खूबसूरत बाकू है, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई। पीछे एक पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी थी, तो उसके पास BMW थी भाई, मैं हैरान हो गया देख के यार कि BMW यहाँ पे पुलिस वाले यूज कर रहे हैं। बाकी ये रही जी स्टेयर्स है इनकी, यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, मेट्रो नहीं लेने लगे बल्कि रोड क्रॉस करने लगे। यहाँ पे रोड क्रॉसिंग के लिए भी आपको अंडरग्राउंड जाना पड़ता है यार, कितना डेवलप है। हालांकि मैं उस टाइम कोशिश कर रहा था कि मैं वैसे ही वहां से नीचे उतर जाऊँ, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया कि नहीं भाई तू ऐसे ना जा,
तेरी जान हमें प्यारी है, तुझे तो तेरी जान प्यारी नहीं है। क्या देख रहे हो, इंसान बनो। तो ये गाय सामने जो आप देख रहे हैं, ये रहा जनाब मेन, वो मेन इनकी ये तीन बिल्डिंग्स हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। उस तरफ ये टावर रहा इनका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये बना हुआ है माउंटेन फाउंटेन यहाँ पे। और इस तरफ देखो गाइस यार, ये सामने शिप यार्ड रहा, यहाँ पे शिप्स आके रुकते हैं और इस तरह का सारा सीन है। बाकी मजीद आपको दिखाते हैं। कैस्पियन सी है भाई, जो ईरान से शुरू होता है और यहाँ पे आता है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से आपके आपको बाकू में भी आके तेज़ हवा देखने को मिलेगी। जब ईरान वाली साइड पे गए थे वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था जितना यहाँ पे है यार। वर्ल्ड तो गाइस हम कैस्पियन सी के किनारे जाके थोड़ी देर बैठने लगे। यहाँ पे देखें आपको जोड़े बैठे हुए हैं यार, सारे कपल बैठे हुए हैं यार। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, लड़कियाँ यंग हैं तो फिर जिन लड़कों के साथ, चलो लड़कों के साथ बैठी हूँ तो समझ में आता, बूढ़ों के साथ चलो हो सकता है। बाज़ वक़्त मैं भी कन्फ्यूज़ हो रहा था कि यार चलो उनका बाप दादा चाचा होगा, लेकिन नहीं भाई वो शुगर डैडी वाला सीन है यहाँ पे। यार मुझे बहुत अजीब लगता है ये सब कुछ यार। देखो भाई शिप के ऊपर भी लिखा कैस्पियन स्टार, वाओ। कैस्पियन सी के बिल्कुल इस तरफ ये तुर्किश आइसक्रीम वाले खड़े हैं। इनसे पहले तो पूछते कि प्राइस क्या है आइसक्रीम की। हेलो हाउ आर यू, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। हेलो, तुर्किश आइसक्रीम लाइक दिस। वो कहता आज उसके लिए भी आओ। व्हाट इज द प्राइस? या 4.5 ये देखो ये तुर्की आइसक्रीम है यार। देखो यार ये तुर्की आइसक्रीम। अपनी मर्जी से दिया, तुमने नहीं लिया। बाकी मजा आया यार। तो गाइस ये जो बेसिकली आप देख सकते हैं ये है ओल्ड बाकू का, ये मैं ये पीछे जो टावर, ये टावर इनकी करेंसी जो 10 का नोट है ना उसके ऊपर भी ये बना हुआ है, इतना ट्रेडिशनल है ठीक है। और बाकी ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग्स और ये जो सारे साइन बने हुए हैं ना, यहाँ पे दो कमरे और एक मस्जिद भी है। मस्जिद जो है वो शायद इस तरफ होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ शायद इस तरफ है, ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं ठीक है। बाद में इसको ना रिकन्स्ट्रक्ट भी किया गया, इसको तोड़ फोड़ जो थी वो सारी ठीक की गई है। ये तकरीबन बताया जाता है 7वीं से 22वीं सदी के दरमियान जो है ये बनाया गया था, जब यहाँ पे एक स्टेट हुआ करती थी और एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी। इनके अंदर इनका एक फायर टेम्पल हुआ करता था ठीक है, और फायर टेम्पल का ये मेन पर्पस ये था कि उसके अंदर फायर जलती रहती थी। ये लोग ये समझते थे कि जब तक फायर जल रही है ना हमारी जो स्टेट है वो गिर नहीं सकती, टूट नहीं सकती। तो लेकिन उस टाइम आपको याद होगा हजरत उमर का जब दौर आया, फिर हजरत उमर ने यहाँ पे हमला किया था कि फिर ये फतह हुआ था और ये फारस स्टेट जो थी ये भी टूट गई थी मेरे ख्याल में। हो सकता है, मेरा इलम उतना ज्यादा वसी नहीं है। ये जो है ना ये हाल ही में उन्होंने ये डिस्कवर किए हैं तकरीबन 1976 के अराउंड अबाउट। और ये जो है ये भी 20वीं सदी में इसको मुरम्मत किया गया था दोबारा से। ये एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे लिया जाता है, अक्सर टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए। बहुत ज्यादा इसके सराउंडिंग में कैफे वगैरह बने हुए, लोग भी वहाँ पे बैठते हैं, कलीन वगैरह भी यहाँ पे बेचते हैं। इसके अंदर अभी उन्होंने म्यूजियम बना दिया है भाई। ये देखें यहाँ पे इन्होंने अपना सामान रखा सारा ट्रेडिशनल, ये बर्तन इनके रहे कॉफी वगैरह और ये सब चीजें बनाने के लिए। ये मेडल्स रहे जो इनके बेचने वाले सिक्के और ये सब, ये बैग्स रहे, ये फोटो ना भाई हम नहीं बना रहे इसके साथ होता, ये कालीन रहे जी। और ये अंदर पूरी पूरी शॉप बनाए रखी, ये सेम ईरान वाली वाइब है भाई, कोई उससे खास डिफरेंट नहीं है, जिस तरह ईरान में होता ना बिल्कुल सेम। गाइस तो ये देखें यहाँ पे भी ये कालीन इन्होंने बिल्कुल वैसे यहाँ पे रखे हुए हैं जी। हेलो हाउ आर यू, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? नाइस, डू यू लाइक बाकू? या ऑफ कोर्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बाकू? इट्स ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। रियली नाइस टू मीट यू। Nice to meet you. I represent Azerbaijan Travel International. Okay. We organize tours, okay. Guide tours. And I can give some information about this if you're interested in. Very popular tours. Okay. For now is to Gobustan Absheron. Okay. And Shamahat Gabala.
This is natural tour and historical tour. Okay. Okay. In which city? In main Baku? About 20-30 minutes of Baku. Okay. So one thing more, if I want to just get a tour guide, if I want to book a tour guide, is it possible? It is a tour. Oh, whole package or only tour guide? One minute. Okay, no problem. Everything include in this price, all inclusive. Okay. Your dinner, your professional guide, your enter in the museum. There are four museums in this place, and enter everything is included in this price. Okay. There are four museums. Okay. To open on open air and close. Okay. Everything is including. For example, in Meidan Tower for us, there is 4 manat. Okay. But in for tourists, there are 15 manats. Okay. You know. Because I know that we are foreigner. And this is 4 meters, so 15 is very expensive. Yeah, I and know. Then our company organized special cars for volcanoes. Okay. Not volcanoes. This one, I know this place. I want to go. 300 active volcanoes. 300 active volcanoes. My name is Kate. Kate, this is your number? Yeah. Okay, I will contact you. Do you have WhatsApp on it? WhatsApp, yes. Okay, I will contact you definitely and we will decide and I will go. Okay, thank you so much. Nice to meet you. Have a nice day. Nice to meet you. लड़की वाला सीन में बताता हूँ गुरु क्या था कि वो लड़की आई वो टूर जो है ना वो बुक करके ले जाते और इस तरह घुमाते फिराते एक दिन का जिसमें पिकअप भी था सारा कुछ इंक्लूड था तो मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है अपना कार्ड वगैरह दे दो क्योंकि जाना तो यार बाकू की हद तक तो रहना नहीं है ना तो देखते हैं अगर ये सही पड़ रहा है तो हम इसी के साथ चले जाएंगे ये सामने एटीएम रही और ये इनका रेस्टोरेंट बना हुआ है लेकिन वो थोड़ा ट्रेडिशनल लुक टाइप है ना यार ये बीबी मान गई अभी पिक्चर लेने के लिए उसको मैंने बोला है इन शैडो ना इन दिस प्लेस शैडो तो उसको 5 मिनट मैंने बोला कि यार तो 5 मिनट ले ले पिक्चर ही लेते तेरे साथ दे 5 मिनट भाई दिया ना भाई तेरे हाँ 5 मिनट तो गाइस हमने इसको 5 मिनट पे किया और इसने हमें वीडियो और पिक्चर बनाने वो पुलिस स्टेशन इसने जो ये ड्रेस पहना हुआ ये सारा लोकल ड्रेस है किया हुआ ये सारा अज़रबैजान का लोकल ड्रेस है और जब भी आप ओल्ड बाकू में इस तरह आपको ये मिल जाएंगे और इजीली आप इनके साथ पिक्चर और वीडियो ले सकते हैं थैंक यू सो मच ओल्ड सिटी 9 o'clock I want to go to other cities, like where the Burning Mountain and that place. Oh, Burning Mountain. Yeah. It's our Gobsan Apshon trip. It starts approximately at 8:30 or 9 a.m. and ends at 5 p.m. It's our show. You will go as a tour guide? No, I'm not a guide. I'm just a promoter. But Your English is so good. That's why I want this kind of tour guide. I can give you full information about this tour. First, we'll go to Mount Volcanoes. Mm-hmm. You can even take it with yourself in a little jar. It's good for skin or and something. And then we'll go to Gobustan International Museum to look. They are like petroglyphs on stones, which people made in the like Stone Age. It's really age. This is not. This place is not. For Azerbaijan history, it's also for the world's history. Okay, so this trip is depend on one day trip. Yes, this is the in the same day. Short day. Okay. But one more question: if I book you for a day, like for a local tour guide here, because you can speak English very well. No, I'm not a guide. I don't know how. Can you arrange a tour guide for us for the main work? No, I can't. I'm not a guide. But if you want, you can talk to my manager. Give me, because I will contact you. Give me this one. Where is your contact number? My number is here. But if you want it to be fast, our office is really like 1 minute. All right, but we have to go actually. That's okay, why. Okay. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Have a nice day. Okay, thank you. यार गाइस एक चीज हमें यहाँ पे थोड़ी सी हैरान करने वाली दिखी है यहाँ पे सॉरी मर्दों की निस्बत औरतों की संख्या जो है ना वो बहुत ज्यादा है देख मैंने हिंदी बोली देख मान गया ना देख ले जो है ना वो औरतें यहाँ पे बहुत ज्यादा है तादाद में पता नहीं क्या बात है लेकिन यहाँ पे ऐसा है भाई औरतें बहुत ज्यादा है मर्द उनकी निस्बत कम है या हो सकता है वो काम काज के लिए निकले हुए इसलिए कम है लेकिन भाई मुझे औरतें बहुत ज्यादा दिखने को मिली भाई आ जाओ कर लो पाकिस्तानी शादी यहाँ पे थैंक यू सो मच नाइस टू मीट यू थैंक यू सो मच
भाई अभी मेरी उससे बात हुई है बीबी से, टूर के बारे में कह रही थी लाइक अगर आपको टूर लेना है तो आप हमारी तरफ से ले सकते हैं। यार एक पैकेज देते ना तो हम पैकेज में काम नहीं चल सकता क्योंकि हमने अपने हिसाब से चलना होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाते हैं तो हमें उनकी समझ नहीं आती कौन सी जगह है, क्या नाम है, क्या आता है, क्या पता है उसकी हिस्ट्री क्या, तो इसलिए टूर जरूरी है। तो इसका मैंने नंबर ले लिया, कल इससे कॉन्टेक्ट करके मैं बुक करके सारा दिन घूमते हैं यार। फिर डन भाई कर। या आई रिमेम्बर आई डू आई फॉरगेट टू गेट योर नंबर यार मैं आपको एक बात बताऊं गाइस। ओके 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 यार ये बंदा एक मिला है अभी मुझे, हमें कह रहा था कि भाई जा रहे थे, कहता मसाज मसाज, जैसे लगा जैसे मैं थाईलैंड में हूँ भाई, थाईलैंड में जैसे मसाज नहीं करवाते, वो वाला सीन लगा भाई। तो यहाँ पे ये मसाज वगैरह बहुत वो वाला, और वो मसाज भी कुछ हैप्पी एंडिंग वाला ही होता है, जो आप सोच रहे वो वाला तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं ज्यादा उस तरफ नहीं जा रहा, मतलब सेम थाईलैंड है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ, मैं फैमिली कंटेंट रख रहा हूँ, आप समझदार है खुद समझ रहे हैं। तो हमें बोल रहा था कि आप ये फलां वो सब कुछ। ये आज हम शॉपिंग करने आए तो ये देखें कुछ चीज़ें हमने ले ली हैं, और ये वोडका राजी वहाँ पे शराब वगैरह आपको शरेआम यहाँ पे अज़रबैजान में मिल जाएगी।